प्रदेश के अन्य जिलों की तरह कोरबा जिले में भी स्वाइन फ्लू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। जिले में हाल ही में स्वाइन फ्लू के 5 नए मरीज सामने आए हैं। डायरिया, डेंगू और मलेरिया के बाद कोरबा जिले में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ने लगा है। प्रदेश के दूसरे जिलों में कहर बरपा के बाद कोरबा में भी इस बीमारी से लोगों का जकड़ना शुरू कर दिया। जिले में इस बीमारी से पीड़ित 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। ऐसे मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां उन्हें भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू से जिले में 2 सप्ताह के भीतर आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। और क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है? स्वाइन फ्लू के हमारे जिले में 5 केस हैं अभी तक। अभी एक कलीग और नया केस आया है। इक्का दुक्का ही आ रहे हैं, पेशेंट सभी ठीक हैं। एक ही केवल हॉस्पिटलाइज है। स्वाइन फ्लू भी एक सामान्य वायरल की तरह से होने वाला फ्लू है, लेकिन किसी किसी में इम्यूनिटी कम होने पर ये थोड़ा सा घातक हो सकता है। तो यही है कि अगर कोई बीमारी सर्दी खांसी ज़्यादा मात्रा में हो रही है, 5-7 दिन से ज़्यादा है, पेशेंट को यदि भर्ती होना पड़ रहा है, या सर्दी खांसी किसी हाई रिस्क के मरीज, हाई रिस्क मतलब कि जिनको बीपी, शुगर है, कैंसर है, किडनी बीमारी है, उम्र ज़्यादा है, ऐसे लोग को अगर ज़्यादा मात्रा में सर्दी खांसी हो रही, चाहे वो हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, तब भी पर में एलाइजा का टेस्ट कराना ज़रूरी है उसको कंफर्म करने के लिए। सर, इसके लिए क्या होम आइसोलेशन का भी व्यवस्था या फिर जिला मेडिकल कॉलेज में इसके लिए व्यवस्था की गई है? नहीं, देखिए, डिपेंडिंग कि बीमारी की गंभीरता कितनी ज़्यादा है। अगर बुखार आ रहा है, 2-3 दिन पेशेंट ठीक हो जा रहा है, 4-5 दिन में भी ठीक हो रहा है, बहुत कमजोरी नहीं लग रही है, भर्ती की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन अगर मरीज ऐसा लग रहा है कि खा पी नहीं रहा है, या बहुत कमज़ोर हो गया है, बीपी डाउन हो गया है, या फिर डेंगू का जो हेमरेजिक फीवर वगैरह है, या शॉक सिंड्रोम के साथ होता है, जो कि पेशेंट सीरियस हो जाता है, तो ऐसे में तो भर्ती करना ज़रूरी है मरीज को। तो अपन जिला मेडिकल कॉलेज में किस तरह व्यवस्था किया है इसके लिए? जिला मेडिकल कॉलेज जो हमारा 100-बेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड है, जिसमें कोविड मलेरिया है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, इनको रखने के लिए वार्ड बने हुए हैं, और जो भी सीरियस लोग होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है।